मॉर्निंग सबको नमस्कार, और बोल सकता हूँ भगवान करे कि हम सबका आप सबका जमाने जिंदाबाद रहे। रोज के तरह स्वामिनी लाइफ का पेमेंट सबके मैसेज में मिल गया होगा और कुछ ही देर में सबके खाते में भी आ जाएंगे। जब हम लोग काम करते हैं तो कभी कभी जीवन में ऐसा जब आता है, जैसे कि मैं एक चीज़ का एग्जांपल दूंगा कि अभी कुछ समय पहले हमारे सेना के नायक जनरल साहब के शहादत पर हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। इस तरह से बातें हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन मैं एज ए सेना का सैनिक था और अभी भी मैं समझता हूँ कि हूँ ही, क्योंकि अभी भी सेना का नमक खाता हूँ, तो भाई हम तो हैं ही। तो हमारे सेना में सिखाते थे कि नायक के मृत्यु पर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नायक के मृत्यु पर अत्यधिक विलाप करना हमारी दुर्बलता है। यानी किसी भी नायक जो हमारे टॉप के कमांडर हैं, कप्तान हैं, कोच हैं, जिनके मृत्यु पर भी हमें ज़्यादा चिंता और विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे में दुर्बलता पैदा होगा, यानी हम कमज़ोर होंगे। तो अगला लाइन है, लेकिन योद्धा का काम है, योद्धा यानी वीर या जो दूसरे नायक हैं, जिनका काम है कि आगे बढ़कर नायक के तलवार थामना है, आगे बढ़ के विलाप करने के जगह से हट करके होश और जोश में आके वही हिम्मत और भारत माता के जय करके तलवार थामना है और फिर से जंग में शामिल हो जाना है। तो सोचिए कि देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे महान शक्ति, सबसे महान डिसिप्लिन वाला सेना हमारी भारतीय सेना है, और भारतीय सेना में किसी के मृत्यु पर भी बोलता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तलवार थाम हो, शुरू हो जाओ। लेकिन स्वामिनी लाइफ में तो ऐसा है नहीं। हो सकता है किसी व्यक्ति का चेक देरी से बन रहा होगा, किसी व्यक्ति का चेक बाद में बन रहा होगा, कोई के डाउनलाइन नहीं रोज रोज फील्ड में जा रहे होंगे, कोई अपलाइन ही फोन पर बहाना मार देते होंगे। होता है ऐसा जब आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, तो खास करके ये अपलाइन और डाउनलाइन के बीच आपका अटूट रिश्ता, अटूट प्यार और सोच ईमानदार और काम दमदार होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति का काम में कहीं रुकावट हो रहा है, किसी तरह के परेशानी हो रहा है, काम कैसे नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए बोलते हैं कि हर समस्या का समाधान है। दुनिया में कोई भी ऐसा समस्या पैदा नहीं हुआ कि जहां से उसका समाधान न मिले। और डायरेक्ट सेलिंग में भी बिना पढ़े लिखे लोग से 40-40 लाख दे के MBA करने वाला और MBA पास होने वाला व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। हर समस्या के समाधान के बारे में ऑनलाइन या पैसा लेके सेमिनार से, रूम से, जूम से, यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से, हर जगह से समझा रहे हैं कि आपका सफलता कैसे होगी। तो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और एकदम प्रतिज्ञा करेंगे कि जो भी व्यक्ति हमारे लेफ्ट और राइट में ज्वाइन हुआ है, वो व्यक्ति को हम सफल करेंगे। और अगर ऐसा हम सब करना शुरू कर दिए तो ज़िंदगी में सिर्फ दो व्यक्ति को ही ध्यान रखना है, ना कोई ज़्यादा लंबा डायरी, ना कलम, ना कॉपी, दो व्यक्ति। जैसे एग्जांपल, एक लेफ्ट और राइट, और हर व्यक्ति के एक ही सीनियर होते हैं या अपलाइन होते हैं या जो भी बोलूँ, और उनका दो ही डाउनलाइन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और हर दो डाउनलाइन का एक ही अपलाइन होते हैं ऊपर वाले। तो हम अगर तीन व्यक्ति मिल के आपस में काम करें और सफलता के लिए बढ़ते जाएं, तो यही रोटेशन चलते जाएगा, हर कोई पैसा कमाता जाएगा। बड़ी बात नहीं करूँगा, ये रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में 500-600 कंपनियाँ हैं। किसी कंपनी के बारे में मैं
बुराई नहीं करूंगा, लेकिन स्वामिनी लाइफ से बढ़िया पे आउट सिस्टम अभी तक भारत में जब से डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है 30-40 साल से किसी ने नहीं दिया है। तो जय हो स्वामिनी, जय जय स्वामिनी। सोच ईमानदार, काम दमदार, और किसी भी तरह के समस्या के लिए आप हमें भी फ़ोन कर सकते हैं, आप और अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। और हमेशा सोचिएगा, सोच ईमानदार काम दमदार, सोच ईमानदार काम दमदार, सोच ईमानदार काम दमदार। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामिनी। थैंक यू।